भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। ये तस्वीर आपको याद होगा, ये तस्वीर तब की है जब प्रशासन ने बुलडोजर से मुरादाबाद के फर्नीचर व्यापारी जाहिद के घर को ढा दिया था। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जाहिद कोई गैंगस्टर है या आतंकवाद से लेना देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है। जाहिद का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा से अपने फर्नीचर के पैसे मांग लिए। लेकिन दर्द दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपनी बेटी के लिए 2,64,000 रुपए का फर्नीचर जाहिद से खरीदा था। लेकिन जब जाहिद ने फर्नीचर के पैसे मांगे तो एसडीएम साहब ने एक फर्जी नोटिस भेजा कि जाहिद ने तालाब पर कब्जा कर अपना घर बनवाया है और फिर जाहिद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बिल बना के जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले भाई इतना बिल बना दिया तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पर सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ में बिलारी का उज्जलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूंगा। जाहिद ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और जिलाधिकारी से की। सोशल मीडिया पर भी फुटेज वायरल किया जिसमें एसडीएम खुद फर्नीचर खरीदते हुए नजर आ रहा है। हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच बैठाई। इस पकड़ यूपी प्लस योगी बहुत है। जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कर रहे हैं। यूपी प्रशासन ने 14 दिन की जांच के बाद पाया कि एसडीएम साहब ने बदले की कार्रवाई के चलते जाहिद के घर बुलडोजर चला दिया। यूपी प्लस योगी। एसडीएम घनश्याम वर्मा को यूपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष यूपी में हुई सभी बुलडोजर कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहा है। यूपी UPYOGI जाहिद कोर्ट में आरोपी एसडीएम पर मुकदमा कर जेल भेजने की याचिका दायर कर चुके हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। क्या यूपी सरकार बुलडोजर के समर्थकों से एक सवाल है कि मुरादाबाद के जाहिद अहमद का घर कौन बनाकर देगा? क्या यूपी सरकार को जाहिद का घर बनाकर नहीं देना चाहिए? जाहिद ने मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा को फर्नीचर की सप्लाई की। जब जाहिद ने वर्मा से पैसे मांगे तो घनश्याम ने जाहिद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब जांच में सही पाया गया है घनश्याम